हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में और वो कैसे आपके सब्जेक्ट के साथ लिंकअप होगा, उसमें क्या क्या एक्टिविटी होने वाली हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट पर CBSE ने पहले ही एक नोटिफिकेशन निकाल रखा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर क्लास 1st to 10th एंड रिपोर्टिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बाय स्कूल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्लास 1st से लेकर 10th तक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नोटिस दिया गया है। क्लास 11th और 12th में पहले से ही CBSE ने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ उसमें होने वाली हैं। प्रोजेक्ट से पहले आपको एक्टिविटी करनी होगी, एक्टिविटी के बेसिस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। अगर हम बात करें आर्ट की, तो आर्ट हमारे पास दो कैटेगरी में होता है, पहला विजुअल आर्ट और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट। आप पिक्चर में देख सकते हैं आर्ट, जिसके लिए अलग अलग कैटेगरीज में दिखाया गया है। एक विजुअल आर्ट जो ग्रीन कलर में है, उसके अलावा म्यूज़िक, थिएटर और डांस। तो चलिए जानते हैं कि विजुअल आर्ट आखिर होता क्या है। विजुअल आर्ट, जिसे आप देख सकते हैं, जैसे आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, ये विजुअल आर्ट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें परफॉर्मिंग आर्ट की, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं, जैसे डांस, सिंगिंग, ऐसी चीज़ें जिसमें आपको कुछ परफॉर्म करके दिखाना होता है, उसे हम परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं, जैसे म्यूज़िक, थिएटर या डांस। ये तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, ये परफॉर्मिंग आर्ट के हैं। और विजुअल आर्ट, जैसा कि अभी आपको बताया गया है, कि ये वो आर्ट होती है जिसको हम देख सकते हैं या देख पा रहे हैं। उसके साथ ही ये दो अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर आर्ट की बताई गई हैं, एक विजुअल और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट। पेयरिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर CBSE AE एंड AIL प्रोजेक्ट वर्क। जैसा कि आपको पता है कि पिछले सर्कुलर में, यानी जो सर्कुलर कुछ समय पहले CBSE ने भेजा था, उसमें बताया गया था कि एक एक्टिविटी कराई जाएगी स्कूल्स में, जितने भी CBSE के स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल्स में एक एक्टिविटी होगी, जिसका नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस एक्टिविटी में सभी स्टेट्स को जोड़ने की बात कही गई थी, यानी यूनाइट करने की बात कही गई थी, जिसमें सभी स्टेट्स एक दूसरे के कल्चर्स को जान सकें, उनके रिलीजन को जान सकें, साथ ही उनके कस्टम्स को जान सकें। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी स्टेट किस दूसरी स्टेट के साथ पेयर बनाए हुए है। The following engagement matrix has been adopted from EBSB program. इसमें हर स्टेट को किसी दूसरी स्टेट के साथ जोड़ा गया है या पेयर बनाया गया है, जिससे एक स्टेट दूसरी स्टेट के बारे में जान सके। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है, वहीं वेस्ट बंगाल को लद्दाख के साथ, पंजाब को आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को केरला के साथ, उत्तराखंड को कर्नाटका के साथ, हरियाणा को तेलंगाना के साथ, राजस्थान आसाम के साथ, गुजरात छत्तीसगढ़ के साथ में जोड़ दिया गया है, महाराष्ट्र को उड़ीसा के साथ, गोवा को झारखंड, दिल्ली को सिक्किम, मध्य प्रदेश को दो स्टेट्स के साथ, जैसे मणिपुर और नागालैंड के साथ,
उत्तर प्रदेश को भी दो स्टेट्स के साथ जोड़ा गया है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ। वहीं बिहार, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में है। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली के साथ, पुडुचेरी, दमन और दीव के साथ। वहीं लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार आइलैंड के साथ में जोड़ा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे एक स्टेट दूसरी स्टेट के बारे में जान सके, उनके रिलीजन, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम्स को जान सके कि वो किस संस्कृति के बारे में सोचते हैं या उनकी क्या संस्कृति है और वो कैसा खाना खाते हैं, किस तरीके से रहते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए ऐसा CBSE की तरफ से किया गया है। ये एक अनूठी पहल है जो CBSE की तरफ से की गई है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के साथ जिसका नाम दिया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी जब सभी स्टेट एक दूसरे को जान जाएंगी तो वो एक भारत बनकर यानी यूनाइट होकर सामने आएंगी, साथ ही श्रेष्ठता को बताएंगी कि वो कितना ज़्यादा श्रेष्ठ हैं या कितना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको एक्टिविटी करनी होगी। उस एक्टिविटी का डायरेक्शन आपको टीचर्स के द्वारा दिया जाएगा, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका क्या फॉर्मेट होने वाला है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, ये आपको कैसे लिखना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको एक रिटन वे में टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात करते हैं उस एक्टिविटी की जो आपको करनी है। अगर हम विजुअल आर्ट में देखें तो बहुत सी एक्टिविटी हैं, लेकिन यहाँ हमने थोड़ी ही एक्टिविटी को लिया है। चलिए जानते हैं कि वो एक्टिविटी कौन सी है, और हमने थोड़ी एक्टिविटी को इसलिए लिया है जिससे कि आपको समझाया जा सके कि ये सभी एक्टिविटी आपके सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट होने वाली हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली एक्टिविटी है जिसका सीरियल नंबर है 4.1.1.1, जिसमें कहा गया है स्टडी ऑफ विजुअल रिसोर्सेज एट होम एंड इन द सराउंडिंग एंड मीन्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जिसमें आपको एक पिक्चर या पोस्टर को दिखाया जाएगा, आपको उसे स्टडी करना है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करेगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाकर कहा जाएगा कि आप इस पर कोई पोएम लिखिए, कोई क्रिएटिव राइटिंग कीजिए, जिस पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। जैसे किसी पिक्चर पर पोएम बनाना बहुत आसान है, लेकिन आपको उसमें एक क्रिएटिविटी करनी होगी। वहीं अगर आप दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, जैसे EVS या सोशल साइंस या साइंस के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं EVS या सोशल साइंस की, तो उसमें आपके लिए ये बताना होगा कि किस तरीके से नेचर को देखकर कि नेचर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कि कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, किस तरीके का टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर है जिस जगह पे आप रहते हैं, कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि किस तरीके की टाइप्स ऑफ सॉइल पाई जाती है या कौन सी रिवर फ्लो करती है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देख कर बताना है। वहीं दूसरी तरफ अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, जिसमें म्यूज़िक और वोकल के लिए कहा गया है, तो इसकी एक्टिविटी के बारे में देखते हैं 4.2.1.1। इसमें कहा जाता है नॉलेज ऑफ द टर्म्स संगीत, नाद, स्वर, शुद्ध, कोमल, तीव्र, सप्तक, मंद्र, मध्य, तर, आरोह, अवरोह, राग, लय, मात्र, ताल, आवर्तन, समताल, जिसमें इंटीग्रेट करने वाले सब्जेक्ट्स हैं म्यूज़िक, आर्ट, सोशल स्टडीज़ और लैंग्वेज। यानी इसमें आपको परफॉर्म करके बताना है इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए कि कौन सा संगीत किस तरीके का है, कौन सा नाद या स्वर या लयताल इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं अगर हम इसमें वोकल की बात करें,
या म्यूज़िक की बात करें तो ये सारी चीज़ें म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में बताती हैं कि इंडियन म्यूज़िक क्या है। जैसे नेक्स्ट एक्टिविटी कहता है 4.2.1.2 बेसिक नॉलेज ऑफ नोशन सिस्टम या फिर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन म्यूज़िक। इंडियन म्यूज़िक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से उतार चढ़ाव आए भारतीय संगीत में, क्या क्या रूप देखे, कितने उसमें बदलाव आए, जो अलग अलग शासनकाल हुए उसमें कितने ज़्यादा चेंजेस आए, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। ये एक परफॉर्मिंग आर्ट कहलाता है